हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनुभूत रवि के मैथ्स में। तो अब दोस्तों हम करेंगे प्रश्न नंबर 7, 13.4 प्रश्नावली राजस्थान कक्षा नंबर 8। अब ये क्वेश्चन दोस्तों जो हमने 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन किया ना, उनसे थोड़ा सा हटके होगा वैसे ही, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। अब देखो इसमें कैसे होगा। विद्यालय के चारों ओर पक्की दीवार बनाने के लिए 9 कारीगरों को पूरा करने में 16 दिन का समय लगा। 9 कारीगर लगते हैं तब कितने दिन लगते हैं? 16 दिन। ठीक है, यदि कारीगरों की संख्या क्या हो? 12 हो तो दीवार कितने दिनों में बन जाएगी? अब देखो दोस्तों, यहां पर तो लिखेंगे हम कारीगर और यहां पर लिखेंगे हम दिन। ठीक है, अब देखो 9 कारीगर लगते हैं तो दीवार को पूरा करने में 16 दिन लगते हैं। 9 कारीगर कितने दिनों में पूरा करते हैं? 16 दिनों में। यदि कारीगरों की संख्या 12 हो तो, यानी कारीगरों की संख्या 12 हो तो दीवार कितने दिनों में बन जाएगी? मानना एक्स। अब बताओ कारीगर 9 है तब 16 दिन लगते हैं, अगर कारीगर बढ़ा दिए जाए तो कितने दिनों लगेगा? अब देखो दोस्तों, एक सिंपल सी बात है, यदि कोई काम करने में पांच व्यक्तियों को 10 दिन लगता है और उसी काम को करने के लिए 8 व्यक्तियों को कितना दिन लगेगा? टाइम कम लगेगा ना, यानी कि ये तो होगा कम से अधिक, यानी कि यहां पर कम है यहां पर अधिक, यानी कि ये होगा कम ऊपर वाला और नीचे वाला क्या होगा? ज्यादा। इस प्रकार लेंगे अनुपात। लेकिन अगर 9 कारीगर लगते हैं तब लगता है 16 दिन, अगर 12 कारीगर लगेंगे तो दिन कम लगेगा ना, थोड़ा होगा ना, आपका कम दिन लगेगा ना, तो यहां से करेंगे हम कम से ज्यादा। अब की बार तीर नीचे से ऊपर गया है। क्यों गया है? सारे क्वेश्चनों में 1 से लेकर 6 क्वेश्चनों में दोनों साइड बराबर था, लेकिन देखो यहां कम लग रहा है, कारीगर 9 है तो 16 दिन लग रहा है, अगर कारीगर बढ़ा दिया 12 हो गए तो टाइम कम लगेगा, दिन कम लगेगा, तो ये कैसे होगा? देखो अब देखो, ऊपर वाला कम होता है नीचे वाला ज्यादा, लेकिन इसमें क्या है? नीचे वाला कम है और ऊपर वाला ज्यादा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? अनुपात में लिखना है 9:12, कम से ज्यादा। अब इसको क्या लिखेंगे हम यहां पर लिखेंगे समानुपात, कम से ज्यादा, इसको भी हम लिखेंगे कम से ज्यादा। तो कम क्या है हमारा? एक्स, और ज्यादा क्या है? 16। बस इतना सा थोड़ा सा आपको समझना था जो कि मैंने समझा दिया। ठीक है, अब देखो दोस्तों, सबसे पहले ये होता है आपका मध्य पद। कौन सा पद होता है? मध्य पद। और ये होता है आपका ब्राह्य पद। मध्य मतलब बीच का और ब्राह्य मतलब ब्राह्य पद, ब्राह्य मतलब बाहर का। अब देखो इन दोनों को गुणा करना है और इन दोनों को गुणा करना है। देखो सबसे पहले तो हम कर लेते हैं मध्य पद का गुणा, तो 12 × x बराबर, सॉरी पहले आप सूत्र लिख लो, मध्य पद का गुणा वो किसके बराबर होगा? बाहर वाले पद के बराबर, ब्राह्य पद का गुणा। अब देखो मध्य पद क्या है? 12 और x, तो इन दोनों को करना है हमें गुणा बराबर। ब्राह्य पद क्या है? 9 × 16, और हमें दिनों की संख्या निकालनी है। 12 कारीगर है तो कितने दिन लगेंगे? x का मान निकालना है, तो x को तो रहने दो इधर 9 × 16 है, ये 12 गुणा में है तो वो चेंज हो जाएगा भाग में। तो ये स्टेप में यहां से कर लेता हूं, x बराबर 9 × 16/12। अब देखो 3 से कट रहा है, 9 भी कट रहा है और 12 भी कट रहा है, यानी कि दोनों में 3 का पाड़ा चला जाएगा। 1 3 3 2 3 6 3 3 9, 1 3 3 2 3 6 3 3 9 4 3 12। अब देखो यहां 3 है, यहां 16 है और यहां 4 है, यानी कि x बराबर 3 × 16/4। अब देखो दोस्तों यहां पर 4 है, 4 × 4 4 × 16। अब देखो 3 × 4 आए, तो x बराबर 3 को 4 से गुणा करो, 4 × 3 1 4 2 4 8 3 4 12। तो यहां पर बताओ कितने दिन लगेंगे? अगर 12 कारीगर होते हैं
तो कितने दिन लगेंगे, कम दिन लगेंगे ना, तो 12 दिनों में क्या कर देंगे, वो दीवार बना लेंगे। यानी कि आंसर होगा हमारा x बराबर 12, यानी कि 12 दिन। तो दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। बस आपको थोड़ा ये ध्यान रखना है, जो कम होता है वो पहले लिखा जाता है और ज्यादा होता है बाद में लिखा जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों आप बड़े आसान तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो अगला क्वेश्चन देखो, इसी प्रकार के क्वेश्चन होने वाले हैं अगले। तो मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट में, तब तक के लिए बाय। हमारे चैनल अनुभव द्रविड़ के मैथ्स को।